डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल, यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल। ठीक है, कॉमर्स आईकॉम पार्ट टू डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, ये वाइट हो होने लगा है। इसके सारे क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, यानी आपको इतना ज़्यादा खपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फेसबुक पर भी जाएँ, वहाँ भी आपकी सारी वीडियोज आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, तो आपको हमारा ये चैप्टर आज वाइंड अप होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देंगे, आप इसलिए इसको प्रिपेयर करना, वो भी आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे, असाइनमेंट भी आपको साथ साथ मिलेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता होता है, आप उसे इसका फॉर्मूला बताएंगे, बाकी तो आप इसी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है ना, आपको ये वाला जिसके बटन लगाया, शो मशीनरी अकाउंट अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉर थ्री ईयर्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, उसने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, उसने बता दिया आपको कि मशीनरी जो वैल्यू है उसकी कितनी है, 2 लाख है। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब है उसको जो गुजारने का साल पीरियड है वो 3 साल है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है ख़राब वैल्यू, थोड़ पोड। अब रेजिडुअल का साथ एक और वर्ड इस्तेमाल होता है स्क्रैप वैल्यू, दोनों का मतलब एक है। थोड़ पोड हो जाना, घस जाना, उसकी जो वैल्यू हुई है ना वो कितनी है, 20,000 है। और आपसे कहा गया है कि आपने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर डेप्रिसिएशन निकाली है 3 साल की। अब देखें, जब आप क्वेश्चन करते हैं जितने भी, उसमें आपको रेट दिया था, अब इसे यहाँ पर रेट नहीं दिया, उसने आपको फार्मूला दे दिया है। अगर वो आपको रेट ना दे लेकिन आपको जानकारी दे दे कि कॉस्ट इतनी है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ इतनी है, बल्कि आपको यहाँ पर थोड़ा बता ही देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें ओरिजिनल कॉस्ट आपके पास कितनी, उसने बताइए 2 लाख। ठीक है, हो गया। उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ उसने क्या दी है आपको, यानी लाइफ टाइम पीरियड कितना चल रहा है इसका, वो है 3 ईयर्स। और देखिए आपको दो नाम बता रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। तो ये चीज़ जो है ना आपने जहन बैठा लें, ये दोनों सेम ही है, रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, और वो उसने बता दिया कि 20,000। आपसे कहा है कि डेप्रिसिएशन इस तरीके से फाइंड करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, रेट ना दिया हो, तो उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो ये सब स्टूडेंट लिख लें अच्छी तरह से। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू, वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये जी मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखी, कॉस्ट मेरे पास कितना है 2 लाख, और उसकी ख़राब वैल्यू कितनी है 20,000। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 10। अब आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेट में करके जरा बता देते हैं। ये देखें, 2 लाख में से आपने माइनस किया 20,000, तो मेरे पास क्या आ गया है 18, ये 1,80,000 आ गया। इसको आपने 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 18,000 आ गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। अच्छा, ये सो रहे ना, एक ज़रा चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, ये 10 नहीं है, ये आपका 3 साल है। ठीक है, वो दूसरे सवाल पर लिख दिया है, 3 साल दिया हुआ है। अब आप देखें क्या निकलेगा, फिर दोबारा से बताते हैं, 2 लाख में से क्या करना है, माइनस करना है 20,000 को। ठीक है, जो आंसर आया इसको डिवाइड करना है 3 पे, ये जी आपके पास क्या आ गया, 60,000। यानी जो आपके पास डेप्रिसिएशन है वो है 60,000। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको निकालनी नहीं है, एक दफ़ा निकल गई है 60,000, तो आपने 3 साल का अकाउंट 60,000 से बनाना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है, ये इस तरह का आ जाता होता है। ठीक है, आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, इसकी बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तकरीबन एक नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपको, ये देखें, ऑन 1 जुलाई 2002 विशारद परचेज मशीनरी फॉर रुपीज जो है 60,000, डेप्रिसिएशन टू प्रोवाइड फॉर 10% और स्ट्रेट लाइन मेथड ईच ईयर। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा है, फर्स्ट मेथड है। अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। और 31 अक्टूबर 2004 मशीनरी वाज सोल्ड, आप देखिए यहाँ मशीन ख़राब हो गई है, उसे 24,000 की उन्होंने सेल कर दी है, एज ए बिकम यूजलेस क्योंकि वो बेकार हो गई थी। ऑन द सेम डेट द परचेज आ न्यू मशीनरी, इसका बहुत ईजी वे है। देखें, जहाँ पर आपको बैलेंस आया उसके नीचे आप नई मशीन लिख दिया, मशीन उसने कभी खरीदी है, उसने 20,000 की खरीदी है, और महीना देखिए 31 अक्टूबर को। अब आपको पता है कि अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज कब होता है, 31 दिसंबर को। अब आपने शुरू जनवरी से नहीं जाना, आपने देखना है कि अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के इसको कितनी माह की डेप्रिसिएशन बनती है, तो 2 माह की बनती है। ठीक है, क्योंकि देखिए 31 अक्टूबर का मतलब पूरा महीना गुजर गया, नवंबर और दिसंबर, सिंपल आपने 2 माह की डेप्रिसिएशन लगानी है और लिख लेनी है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सवाल है। ऑन द सेम डे परचेज न्यू मशीनरी, वही मैंने आपको बता दिया, आपने मशीनरी अकाउंट बताना है 2002 से 5 तक, अकाउंट आपका 31 दिसंबर को क्या होता है, क्लोज होता है। बहुत ईजी वे है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं भी आ रही है तो आपने इसे कमेंट्स करना है, हमारे ईमेल आईडी
gmail.com पे हमें सेंड कर सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक पे भी। ठीक है, आप जो भी क्वेरीज करेंगे आपके क्वेरीज का जवाब जरूर दिया जाएगा, स्पेशली रात के वक्त अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसके साथ साथ ही आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है वो हो गया है, वाइंड अप है। अच्छी तरह से उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब कल आपको इसकी मिलेगी असाइनमेंट, असाइनमेंट के साथ आपको मिलेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना कंसाइनमेंट का, वो भी बहुत इजी और वैसे इम्तिहान आपके करीब आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे और आसान तरीके से इसको तैयार करें, बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता चलूँ कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन ज़्यादातर सिंपल आते हैं, एक ये जो मैंने आज आपको करवाया है जिसमें फार्मूला लगता है, इस तरह के असाइनमेंट में क्वेश्चन जरूर मौजूद होंगे, और एक सिंपल जो मैंने पीछे करवाए हैं। जो मशीनें ख़राब ही सॉल्व होती है वो बहुत कम चांसेस है कि वो आपको एग्जाम में दे, इसलिए आपने ग्रिप इसमें अपनी ज़्यादा करनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, साथ सब्सक्राइब भी करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, और जब भी नई वीडियो आए तो आपको इसका आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।